हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अजयपाल सर फ्रॉम विवेकानंद स्कूल बनी। नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। फर्स्टली वी डिस्कस द टू चैप्टर ऑफ द केमिस्ट्री। नाउ वी डिस्कस टू फर्स्ट टू चैप्टर ऑफ द फिजिक्स। आफ्टर दैट वी डिस्कस फर्स्ट टू चैप्टर ऑफ द बायो। ओके, नाउ वी स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द फिजिक्स, दैट इज द मोशन। ओके, नाउ वी स्टार्ट दिस चैप्टर। वट इज द मोशन? यू नो अबाउट द मोशन? ओके, मूविंग, एनीथिंग मूव्स, दैट इज नोन एज मोशन। ओके, नाउ दिस स्टार्ट दिस चैप्टर। मोशन इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। आपको पता है मोशन है जो यूनिवर्स का इंटीग्रल पार्ट है। यूनिवर्स को मोशन से या मोशन को यूनिवर्स से अलग नहीं किया जा सकता। एवरी बॉडी अराउंड अस इन मोशन, हर एक बॉडी मोशन में है। ओके, फ्रॉम द मोशन ऑफ द टिनियस्ट इलेक्ट्रॉन इन देयर ऑर्बिट, चाहे वो छोटा से छोटा इलेक्ट्रॉन ही क्यों ना है, वो भी मोशन करता है। अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द मोशन ऑफ द एंटायर यूनिवर्स अराउंड इट सेंटर। ओके, वो क्या करता है, अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो हर एक बॉडी बोलते हैं कि वो मोशन में होती है। ओके, नेक्स्ट, मैकेनिक्स डील्स विद मोशन ऑफ द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। मैकेनिक्स के अंदर क्या आते हैं, जो भी नॉन लिविंग बॉडी ऑब्जेक्ट ये मूव करते हैं, जैसे मशीन्स हैं, मशीन्स सारे के सारे मैकेनिक्स में आती है। मैकेनिक्स एक ब्रांच है साइंस की, जिसके अंदर आप मशीनरी की बात करते हो, जैसे बाइक मूव कर रहे हैं, कार मूव करती है, तो क्यों मूव करती है, क्या रीजन है, क्या फिनोमिना है, दैट इंक्लूडिंग इन द मैकेनिक्स। काइनेमैटिक्स डील विद द मोशन ऑफ द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट विदाउट टेकिंग इन टू अकाउंट द कॉज ऑफ द मोशन। काइनेमैटिक्स के अंदर सिर्फ मोशन के बारे में देखेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि वो मोशन क्यों हो रहा है, क्या रीजन है उसका मोशन होने का। ओके, तो मैकेनिक्स और काइनेमैटिक्स में समझा के, मैकेनिक्स की में हम कम्प्लीटली डील्स करेंगे कि वो मोशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। काइनेमैटिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ मोशन देखेंगे, ये नहीं देखेंगे क्यों हो रहा है। मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी और रेक्टिलिनियर मोशन। अगर कोई मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो उसको ट्रांसलेटरी या रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी है। ओके, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज वन हूज डायमेंशन आर वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू डिस्टेंस इट ट्रेवल। पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्या लिया जाता है, किसी भी मोशन को डील करने से पहले उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया जाता है। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ओके, ए बॉडी इज सेट टू बी रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट। ओके, बॉडी को रेस्ट कब माना जाता है, जब वो पोजिशन चेंज नहीं करती विद इट्स रेफरेंस पॉइंट। ओके, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। अब देखो ये रेस्ट की डेफिनेशन है। अगर मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ओके, यहाँ पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो इसके विद रिस्पेक्ट टू अगर ये अपना डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा। ओके, मोशन में कब होगा, जब हम देखेंगे ये अपना डिस्टेंस चेंज करता जा रहा, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस भी चेंज होती जा रही है। ओके, इसको मोशन में बोलेंगे। रेस्ट में क्या, इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, ये अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहा, किसके विद रिस्पेक्ट टू, इस रेफरेंस पॉइंट के। इससे हम देख रहे हैं कि कोई चीज मोशन में है या रेस्ट है, इससे हम डिस्टेंस नोट कर रहे हैं। अगर इसका जैसे आज पड़ा हुआ है इतने डिस्टेंस पे, कल भी इतने डिस्टेंस पे, परसों भी इतने डिस्टेंस पे, तो हम बोलेंगे ये रेस्ट पे। अगर ये आज इतने डिस्टेंस पे, कल इतने डिस्टेंस पे हो गया, परसों इतने डिस्टेंस पे हो गया, तो अब ये अपना डिस्टेंस चेंज कर रहा है ना, तो ये रेफरेंस पॉइंट ये है, इस रेफरेंस पॉइंट से यह डिस्टेंस चेंज करता जा रहा है कंटिन्यूसली, तो हम बोलेंगे ये मोशन में है। ओके, तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। जो रेस्ट और मोशन होती हैं वो रिलेटिव टर्म्स होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। ये जरूरी नहीं होता कि अगर कोई चीज रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट पे ही होगी, मोशन में नहीं होगी। कई बार एक बॉडी दो रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग अलग अलग पोजिशन के अंदर होती है। एनी बॉडी कैन बी रेस्ट एज वेल एज मोशन एट सेम टाइम। एक ही टाइम पे कोई बॉडी रेस्ट पे भी हो सकती है, मोशन भी हो सकती है। कैसे, चलो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे मान लो ट्रेन के अंदर आप सफर कर रहे हो, बस के अंदर आप जा रहे हो, ओके, बस के अंदर आप बैठे हो, ओके, बस के अंदर ये देखो एक पर्सन आप बैठे हो, एक आपका फ्रेंड बैठा है, ओके, आप दो पर्सन बस के अंदर बैठे हो। अब ये देखो आप इसके विद रिस्पेक्ट टू देख रहे हो, आप ये पर्सन को रेफरेंस मान लो अपने फ्रेंड को, आप खुद को देखो तो आप रेस्ट पे हो, क्योंकि बस मूव कर रही है आपसे और आपके फ्रेंड से डिस्टेंस तो नहीं चेंज हो रहा ना, तो आप रेस्ट पे हो। अगर आप यही देखो कि बाहर कोई पर्सन खेत के अंदर कोई किसान काम कर रहा है मान लो, तो आप उसको रेफरेंस पॉइंट लोगे, तो उस रेफरेंस पॉइंट से तो आप कंटिन्यूस मोशन कर रहे हो ना, आप जा रहे हो आगे जा रहे हो, वो दूर होता जा रहा है। तो देखो एक ही टाइम के ऊपर अगर आप रेफरेंस पॉइंट अपना फ्रेंड लेते हो तो आप क्या हो, किस पे हो,
आप किस पे हो, रेस्ट पे, और अगर आप उस किसान को रेफरेंस पॉइंट ले रहे हो तो आप किस में हो, मोशन में। तो इस तरीके से एक सेम टाइम के ऊपर कोई बॉडी रेस्ट में भी हो सकती है, मोशन में भी हो सकती है। डिस्टेंसेस, अब डिस्टेंस फर्स्ट यहाँ पे डेफिनेशन है, पहले तो रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन है, फिर डिस्टेंस। डिस्टेंस इज डिफाइंड एज द एक्चुअल पाथ फॉलो बाय बॉडी बिटवीन द टू पॉइंट बिटवीन इट्स विच इट्स मूव। दो पॉइंट से, ए से बी के अंदर अगर कोई चीज मूव कर रही है, जा रही है, ओके, तो हम बोलेंगे डिस्टेंस। ए से बी वो जाने कितना उसने पाथ कवर किया, दैट इज द डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ऑन द अदर हैंड इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। अगर ये बॉडी बिल्कुल डायरेक्ट इस पॉइंट पे जा रही है तो ये डिस्प्लेसमेंट होगी, और पूरे का पूरा पाथ देखेंगे तो वो उसका डिस्टेंस होगा। आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर डिफरेंस करेंगे। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड क्लियरली। तो ये आपने चैप्टर, पिछले चैप्टर के सारे क्वेश्चन, दो चैप्टर के अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन और टेक्स्ट बुक क्वेश्चन अपनी नोटबुक के अंदर राइट करने हैं। तो अब आपने ये चैप्टर शुरू किया तो इसको साथ साथ रिवाइज करते रहना। ओके, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।